प्राथमिकता में रखकर जिस तरह से देश के लिए काम किया, आज उन्हीं का लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने उनको भारत रत्न दिया, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि उनको उस समय के अंदर ऐसी परिस्थितियों के अंदर काम किया और फिर उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से आज उनको नवाजा गया, तो मुझे बहुत ही खुशी है, पूरे देश में खुशी है। राम मंदिर के आंदोलन को जिस तरह उन्होंने आगे बढ़ाया, उसे आप किस तरह से देखते हैं? मैंने कहा ना, उन्होंने जिस तरह से उस समय राम मंदिर को लेकर यात्रा प्रारंभ की और यात्रा का नेतृत्व करते हुए, और जिस तरह से उस समय की राम मंदिर अयोध्या में बनी और वो सपना भी अब पूरा हो चुका, और ऐसे समय के अंदर जब उनको भारत रत्न दिया, जिस यात्रा को उन्होंने उस समय किया था पूरे देश भर के अंदर जाने के बाद, और उसके बाद में अब राम मंदिर भी बन चुका, नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी, और उसके बाद में उनको ये इस भारत रत्न से नवाजा गया, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि उनका बहुत बड़ा इस में योगदान रहा है। चौधरी जी, एक सवाल मेरा यह है कि राम मंदिर के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाली, उसी राम मंदिर के उद्घाटन में उनको बुलाया नहीं गया, बुलाया तो उनका घर पे रहा है, क्या लगता है? देखिए, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा उनके लिए मुझे लगता है कि नहीं हो सकता कि उनको भारत रत्न से नवाजा गया, सर्वोच्च सम्मान है। और आडवाणी जी बहुत ही हमारे वरिष्ठ हैं और वो हमारे प्रेरणादायक है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, ऐसा है, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है, और कोर कमेटी के अंदर आपने देखा होगा कि हम सभी अपने अपने घर से टिफिन लेके आए और टिफिन बैठक की, जिसमें हमने सबने अपना अपना भोजन जो था एक दूसरे के साथ में शेयर किया, और ये परंपरा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले गुजरात के अंदर भी शुरू की थी, और संघ परिवार के अंदर भी हमारे टिफिन बैठक जैसा की होती है, जिससे हमारे एक दूसरे के साथ सामंजस्य और जो एक दूसरे का प्रेम जो है वो दिखता है, और ये हमारे संगठन के अंदर चाहे वो जिले की बैठक हो चाहे नीचे मंडल की बैठक हो, वहाँ पर भी निश्चित रूप से हम करते ही हैं कई जगह पर, और कुछ जगह पर आगे और ये परंपरा शुरू होगी। 25 का टारगेट तय किया है आपने, क्या रोड मैप तैयार किया है, कैसे 25 का लक्ष्य हासिल करेंगे, कैसे हैट्रिक लगाएंगे इस बार? ऐसा है कि आपने देखा होगा कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में 25 की 25 सीटें दो बार आई है, और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में देश के लिए जो काम किया है, जो चाहे वो गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो देश भर में काम हुआ है, किसान कल्याण के लिए जो काम हुआ है, और उन्होंने जिस तरह से युवा, महिला, किसान, गरीब, इन जातियों को लेकर जिस तरह से उत्थान करने का सोचा और विकसित भारत की कल्पना की है, तो विकसित भारत